नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत वार्ड 2 से बसपा समर्थित प्रत्याशी पारुल पत्नी रजनीश त्यागी ने अपने क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क किया, जहां उनका क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी पति रजनीश त्यागी का गांव भैसानी में त्यागी समाज सहित 36 बिरादरी के लोगों ने समर्थन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। गाँव भैसानी में त्यागी समाज के लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया और उन्हें अपना समर्थन देते हुए समाज के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का वादा किया। वहीं रजनीश त्यागी ने कहा कि वह क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीति में आए हैं और उनका मकसद सिर्फ विकास करना है। वहीं गांव फलोदा, कुतुबपुर, घुमावटी, भैंसरेडी, बसेड़ा व अन्य गांवों में भी रजनीश त्यागी को ग्रामीणों ने अपना समर्थन देते हुए उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम रजनीश त्यागी जी को त्यागी और एससी समाज का समर्थन यहां से दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सर्वसम्मति से इनको समर्थन दिया गया जिला पंचायत के लिए। समाज के लोगों का क्या कहना है? समाज के लोगों का कहना है ये इकला कैंडिडेट है हमारा, भरपूर समर्थन 100% रजनीश त्यागी जी को रहेगा। आज वार्ड नंबर 2 से हमारे यहाँ जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थित भाई रजनीश त्यागी जी, उनकी मिसेज पारुल त्यागी यहाँ से लड़ रही है चुनाव, तो यहाँ हम उनके समर्थन के लिए आए थे। तो यहाँ से हमें सरल कास्ट बैकवर्ड के साथ में त्यागी समाज का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है और हम आशा करते हैं कि इस सीट से हम बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे। लगभग कितनी ऐसी समाज की वोट होगी? 12,000 वोट है। क्या लगता है पूरी वोट मिल पाएंगे? एक तरफा मतलब बहुजन समाज के जो मत हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोश है और चूंकि इनको भरपूर समर्थन मिला त्यागी समाज का, उससे उनका उत्साह और बढ़ गया। क्या पार्टी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य चुनने के बाद में क्या अध्यक्ष भी चुनेगी? हाँ, अध्यक्ष का चुनाव होगा और अध्यक्ष चुनाव में बहुजन समाज पार्टी खुद भाग लेगी।